प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप 10th कक्षा में हैं और आपने अभी तक पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही भर दीजिए, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डेट। आज पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और ये डेट जो तारीख है, तारीख पे तारीख बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अब भाई अति हो गया है, अब इसके बाद तो नहीं बढ़ेगी पॉलिटेक्निक फॉर्म भरने की। तो प्यारे बच्चों, टुडे इज द लास्ट डेट और समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का, फिर भी मैंने बना दिया कि भाई जो बच्चे खुचे हैं वो आप भर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, सो डेट कि वो लोग भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर लें। प्यारे बच्चों, इस बेरोजगारी के जमाने में घूमने से बेहतर है कि हम पॉलिटेक्निक कर लें और पॉलिटेक्निक एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब है और भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आप पॉलिटेक्निक करके एक बार कमाना स्टार्ट कर दीजिए 20-25 हजार से, उसके बाद मैं आपको और गाइड करता रहूंगा कि आप किस तरीके से बेहतर पोजीशन पा सकते हैं, बेहतर अच्छी सैलरी पा सकते हैं और किस तरीके से करियर में आप ग्रो करेंगे। तो पॉलिटेक्निक कोई खराब चीज नहीं है, बीए बीएससी बीटेक करके निठल्ला घूमने से तो बेहतर है 3 साल का हम कोर्स कर ले अच्छे से मन लगा के और निकलते ही हमारी जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद 3 साल तक वहां कमाइए, 4 साल तक कमाइए, 5 साल तक कमाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा कि बीटेक कैसे करना है और कैसे आप और करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो सारा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, शर्त यह है कि आप ध्यान से देखें, सुने और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, सो डेट कि जिनको नहीं मालूम है, जो अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन रख के चलते हैं कि भाई पॉलिटेक्निक करने से कुछ नहीं होता, बस 10-15 हजार की जॉब पाएंगे और जिंदगी भर ऐसे ही कट जाएगी, ऐसा नहीं है। जल्द ही मैं मेरे खुद के पढ़ाए हुए विद्यार्थियों से आपको मिलाऊंगा जो पॉलिटेक्निक करके आज 65 हजार से लेकर 70 हजार के बीच में पैसा कमा रहे हैं और उनको मतलब जॉब करते हुए ज्यादा 4-5 साल हुआ है। 4-5 साल में 65 से 70 और एक तो 1 लाख से ऊपर वाला भी है, जरूर आपको मिलवाऊंगा। लेकिन कैसे ये सारी चीजें होती हैं मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है आप कम विश्वास करें, लेकिन मैं खुद उन बच्चों से ही आपको मिलवाऊंगा। दे विल टेल यू हाउ दे हैव ग्रोन इन देयर करियर, अपने करियर में कैसे उन्होंने ग्रोथ प्राप्त किया है। तो आप जरा सा इंतजार कीजिए, यदि आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरा है, आप मिसगाइडेड हैं कि भाई पॉलिटेक्निक करूं या ना करूं कि 12th के बाद करूं। 12th के बाद भी मैंने बता दिया है कि पॉलिटेक्निक करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दिया हुआ है और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि भाई ये चीज है, सो डेट कि आपका समय बर्बाद ना हो। मेरा पर्पज कभी भी बच्चों का समय बर्बाद करना नहीं होता है, क्योंकि समय सबका कीमती होता है, चाहे आपका हो चाहे मेरा। तो प्यारे बच्चे, आप फॉर्म भर दीजिए यदि आपको पॉलिटेक्निक करना है, और पॉलिटेक्निक क्यों करना है, क्यों करें भाई, आपके कहने पे क्यों करें, यदि आपको ये देखना है तो आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, मर्जी आपकी करें या ना करें। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि जिनको पॉलिटेक्निक करना है तो आज लास्ट डेट है, भर दीजिए, अभी भी समय है। रैंक कार्ड आपका आएगा 27th of June को। रैंक कार्ड का मतलब भाई बच्चों ने पॉलिटेक्निक फॉर्म भरा, उनके मार्क्स आए, परसेंटेज आए, हरियाणा में ऐसे चलता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज दे विल गेट अ रैंक कि भाई इतने बच्चों ने भरा है और इतने बच्चों में जैसे 95% वाले बच्चे इतने सारे हैं तो उनकी रैंक कैसे आएगी, इस तरीके से रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी आपकी 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग करते समय आप अपने सीनियर से जरूर राय लीजिएगा कि भाई काउंसलिंग कैसे करना है। ऐसे ही आप किसी को भी पकड़ा देते हैं, वो कहता है हाँ लाओ लाओ मैं कर दूं, वो भाई जनरली 10th या 12th पास होता है, बीए पास होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि टेक्निकल में काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन सी ट्रेड इंपोर्टेंट है, आपका क्या च्वाइस है। वो तो भर देगा, पहले 5 ट्रेड भर देगा, 5 कॉलेजेस भर देगा, कुछ भी भर देगा और आपको कुछ भी कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो फॉर दैट आपको एक व्यवस्थित रूप से पूरा माइंडसेट बना के जाना है, उसके लिए आप अपने सीनियर्स की सहायता लीजिए, मेरी वीडियो की सहायता लीजिए। आप और भी समाज में और भी लोग होंगे जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह किया होगा, उनसे आप पूछ लीजिए कि कौन सा ट्रेड बढ़िया रहता है,
और आपका इंटरेस्ट किसमें है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप सॉफ्ट स्किल वाले बंदे हैं, आप नहीं रफ एंड टफ बनते हैं, तो आप कंप्यूटर वाले ब्रांड से पॉलिटेक्निक कीजिए, बेहतर रहेगा। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं रफ एंड टफ हूं, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना है और धूप में भी मैं काम कर सकता हूं, सर्दी में भी कर सकता हूं, गर्मी में भी कर सकता हूं, कोई डांटेगा तो ज्यादा मेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप मैकेनिकल लीजिए, सिविल इंजीनियर लीजिए, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल लीजिए, सो डेट कि आप रफ एंड टफ बनते हैं, आप करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और आप अप एंड डाउन को, स्ट्रेस को झेल सकते हैं, तो आप ये वाली ब्रांच लीजिए। तो ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो 27 जून को रैंक कार्ड आ जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग होगी आपकी कब, 28 से 1 जुलाई को, और आप ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा, मैंने बता दिया, आप राय जरूर ले लीजिएगा, सबसे पूछ के समझ के तब करनी है उसके बाद। और फर्स्ट काउंसलिंग में पहले बच्चों मैक्सिमम 10 कॉलेजेस भरिएगा, और 10 टॉप मोस्ट कॉलेज भरने के बाद जो आपको लेना है ट्रेड उसी को भरिएगा, समझ गए ना। जैसे भाई मुझे मैकेनिकल लेना है तो टॉप 10 कॉलेजेस को मैंने क्या भर दिया, खाली मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल। उसके बाद भाई उसके बाद आपके पास सेकंड राउंड भी है, सेकंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी 2 तारीख को, सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी कब, 8 से 10 जुलाई, और सीट अलॉटमेंट के बीच ये जो 5 दिन का जो डेट है इसमें फिर आपकी कंफर्मेशन होगी कि जिन बच्चों को सीट मिल गया आप जाके कंफर्म करवाओ भाई अपनी सीट की, हाँ भाई हमें लेना है, फीस जमा करवा दीजिए। फीस के लिए आप 8 से 10 हजार रुपए लेके जाइएगा, इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, लिंक मैंने दिया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, अब इन 5 दिन में 5 डेज में सभी जिनकी भाई नंबर आ गया है, मान लीजिए मुझे मैकेनिकल चाहिए था और मुझे अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल मिल गया है, तो अब जाके सीट फिक्स करवाओ आप अपनी, नहीं अगर आपने सीट फिक्स नहीं करवाया तो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वही सीट आपकी मानी जाएगी और सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड काउंसलिंग में फिर आप कैसे कीजिएगा कि मान लीजिए यदि आपको पहले काउंसलिंग में टॉप जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो आपको पहले तो पहले काउंसलिंग का कैंसिल करना पड़ेगा, और सेकंड काउंसलिंग में फिर आप टॉप 10 पहले आपने भरा था, आप सारे कॉलेज भर दीजिए और सब में क्या भर दीजिए, मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल। एक चीज ध्यान रखिए, हरियाणा के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सभी बेहतर हैं, लेकिन जैसे टॉप 5-10 है वो लाजमी वो औरों से बेहतर है, बिकॉज जो कंपनीज होती है ज्यादा करके उन्हीं कॉलेज में जाती है, क्योंकि अच्छे रैंक वाले बच्चे उन्हीं कॉलेज में होते हैं। तो लेकिन यदि आपको विश्वास है और आपको मालूम है कि मेरी भाई रैंक नहीं उतनी बढ़िया है, ठीक ठाक कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई जम के कीजिए, अपने दम पे नौकरी लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले को नौकरी मिल ही जाती है, आगे बात समझ में। तो आप यहां से सेकंड काउंसलिंग कीजिएगा, 8 जुलाई से 10 जुलाई होगी, फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगी 11 जुलाई को, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या चीज चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, 8 से 10 हजार रुपए का प्रबंध कर लीजिए, उसमें आपका सारा मैंने पहली वीडियो में बता दिया, ज्यादा बताऊंगा तो अगेन द वीडियो विल बी लेंथी। तो प्यारे बच्चों ये है आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है और जो भी एडमिशन कैसे होगा, कितने तारीख को कौन सी काउंसलिंग होगी, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। इसी के थ्रू अभी मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है साथ ही साथ लीट वालों के लिए, 12th जो 12th बेस हैं, आईटीआई बेस्ड हैं, उनके लिए मैंने ये एक और वीडियो अपलोड किया है। तो यदि आप 12th क्लास लीट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और काउंसलिंग कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा, और काउंसलिंग की जो साइट है दैट इज techadmissions.hry.government.in है, यहाँ पे जाके आप काउंसलिंग कर लीजिएगा, और काउंसलिंग से पहले जाके मुंह उठा के डायरेक्ट किसी भी दुकान वाले को नहीं बोल देना कि भैया मेरी काउंसलिंग कर दो। अरे भाई वो क्यों काउंसलिंग कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, उसको नहीं मालूम, वो जर्नल सा उसको मालूम है, वो भर देगा। आप लाइन वाइज लिख लीजिए कि भाई मुझे गवर्नमेंट नीलो खेरी में एडमिशन लेना है, तो वहां पे कौन सी ब्रांच मेरे को पहले चाहिए, मैकेनिकल भर दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा अंबाला वाले में भर दूंगा, तीसरा, इस तरीके से। टॉप 5 कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं, ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं, यहां से आप अपना टॉप 5 कॉलेजेस पहले चुन लीजिएगा, उसके बाद धीरे 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 प्रेफरेंस आती है। फिर से मैं बता दे रहा हूं सारे कॉलेज बढ़िया है, यदि आप पढ़ने वाले बढ़िया है तो नौकरी आपको हमेशा मिल जाएगी, बट रैंक बढ़िया है तो आप लकी है कि आपको टॉप 10 कॉलेज में मिल जाएगा एंड कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन आप गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट
कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो नौकरी की दिक्कत कभी भी नहीं होगी। शर्त यह है कि आप अच्छे से कंटेंट को समझे, अच्छे से तैयारी करें और वर्कशॉप्स वगैरह में प्रैक्टिकल नॉलेज रखें और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। और इंटरव्यू की तैयारी मैं खुद करवा दूंगा, आप इस विषय में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। टिल देन मस्त रहिए और सतर्क रहिए। नमस्कार।